धार के शासकीय महाविद्यालय में दो छात्र संगठनों में सदस्यता को लेकर हुआ विवाद, जिसमें मारपीट की घटना के समाचार हैं। इसी घटना को लेकर आज आदिवासी छात्र संगठन के नेता व छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार शिखा सोनी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि महाविद्यालय में एबीवीपी के नेता एवं 30-40 अन्य बाहरी लोग कक्ष क्रमांक 12 में चल रही पढ़ाई के दौरान पढ़ाई में बाधा डालते हुए छात्रों को संगठन की सदस्यता दिला रहे थे। इसका आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश डामोर ने विरोध किया, जिसको लेकर एबीवीपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर आदिवासी छात्र संगठन मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, जहां संगठन के कार्यकर्ता कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन को ज्ञापन देने पर अड़े हुए थे। ज्ञापन लेने आई नायब तहसीलदार शिखा सोनी को वापस भेज दिया। कुछ देर पश्चात संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कक्ष में पहुंचकर उनसे चर्चा की और उसके बाद बाहर आकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश डामोर ने एबीवीपी के साथ साथ महाविद्यालय के प्राचार्य पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि महाविद्यालय के प्राचार्य ऐसे असामाजिक तत्वों को खुला संरक्षण दे रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्हें तुरंत हटाया जाए तथा उनके साथ मारपीट करने वाले एबीवीपी के पदाधिकारियों व अन्य बाहरी लोगों पर धारा 307 एक्ट्रोसिटी एक्ट लगाए जाएं। आदिवासी छात्र संगठन के लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबित खान FM की रिपोर्ट। आज कल भारतीय कॉलेज में एक उसको लेकर मैंने उनका विरोध किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, किसी को किसी संगठन की वजह से आप नहीं दिलाएंगे। इसके पूर्व प्राचार्य को भी मैंने सूचना दी थी, लेकिन प्राचार्य ने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने विरोध करने पे उन लोगों ने कम से कम 5 लोगों के तो नाम मुझे याद है, लेकिन 30-40 लोगों ने मिल के मुझे झूठ बनाकर बुरी तरह से मारपीट की मेरे साथ। और पुलिस प्रशासन को हमने अवगत भी कराया, पर पुलिस बहुत लेट पहुंची। उसके बाद में हम FIR करवाने गए, FIR में जो धाराएं लगनी थी वो लगी नहीं, और एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्य बना के वो नहीं, और वो गलती हमारी नहीं है, जिसके बाद भी हमारे ऊपर जीता मुकदमा दर्ज किया, वो वापस लेने के लिए हम आज अगले साथ के नेतृत्व में देवी के रूप में आए। ज्ञापन किसके नाम से दिया? महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया, और माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमने चर्चा की मौखिक में, और माननीय कलेक्टर महोदय से Subscribe now to most exciting channel ever.